नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ स्प्रिट बरामद, दो गिरफ्तार। विकास कार्यों को तेजी देने के लिए पार्षदों ने खोला मोर्चा, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बिना टेंडर टीएमबीयू के अधिकारियों ने बेची लाखों रुपए की कॉपी, कुलपति ने कहा मामले की नहीं है जानकारी। सीनेट सदस्य ने विजिलेंस जांच की मांग। जिले में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन की हालत गंभीर। और महाशिवरात्रि को लेकर सजा भोले का दरबार, शुक्रवार को मंदिरों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। होली को लेकर शराब की बड़ी खेप को भागलपुर लाया जा रहा था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। जगदीशपुर एवं बाईपास थाना पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दो ट्रक से 196 पेटी विदेशी शराब के साथ 62 ड्राम स्प्रिट बरामद किया है। गुरुवार को सीनियर SP आशीष भारती ने जगदीशपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बरामद शराब के बारे में विस्तार से जानकारी दी। SSP ने कहा कि होली में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब लाए जाने की सूचना के बाद खिरीबांध और सोनोला मोड़ के समीप सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें यह सफलता हासिल हुई। SSP ने कहा कि बरामद शराब के साथ दोनों ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानेदार को नियमित रूप से रोको टोको अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। रोको टोको अभियान के दौरान ही पुलिस को अब तक कई सफलता मिल चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधि व्यवस्था DSP निसार अहमद, CT DSP राजवंश सिंह, जगदीशपुर थानाध्यक्ष संजय सत्यार्थी, बाईपास थानाध्यक्ष सुनील झा सहित काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। दोनों ट्रक है, उस दोनों ट्रक के बारे में जानकारी मिली है कि ये कहीं इस राज्य के बाहर से आ रहा था और बिहार के जो कई दूसरे जिले हैं वहाँ पर ये शराब पहुँचाने के लिए ले जाया जा रहा था। इसमें जो विदेशी शराब है वो कुल मिलाकर के 1785 लीटर बरामद हुआ है, जो कि 196 कार्टून में है ये विदेशी शराब। और साथ ही साथ दोनों ट्रक में मिलाकर के कुल 62 लीटर स्पिरिट 62 ड्रम स्पिरिट का है, उसको बरामद किया गया है। और उस 62 ड्रम में प्रति ड्रम लगभग 300 केजी एक ड्रम का उसकी कैपेसिटी है, तो लगभग हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के 1860 केजी जो 18600 केजी जो ये स्पिरिट है उसको बरामद किया गया है। इसमें दो ट्रक सीज किया गया है, तीन मोबाइल फ़ोन सीज किया गया है, 6 विभिन्न नंबर प्लेट, अलग अलग नंबर के जो प्लेट्स हैं उसको सीज किया गया है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम है विजय बहादुर सिंह जो कि अमेठी का रहने वाला है और धर्मेंद्र मिश्रा जो कि रेवा MP का रहने वाला है। भागलपुर नगर निगम की सरकार बने 2.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन शहर का विकास 2.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। स्मार्ट सिटी के विकास योजनाओं की धीमी गति से आक्रोशित पार्षदों ने गुरुवार को निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरना पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर समेत अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे पार्षदों ने निगम परिसर में जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। वहीं धरना पर बैठे पार्षदों से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर स्मार्ट सिटी में विकास का काम कम हो रहा है और राजनीति ज़्यादा हो रही है, इसी को लेकर के भागलपुर नगर निगम प्रशासन के अड़ियल रवैये को लेकर के पार्षद धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पार्षदों ने महाधरना शुरू कर दिया, कई वार्ड के पार्षद हैं और ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना है इनका। हमारे साथ भागलपुर नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आप धरने पर क्यों बैठी हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, आप यहाँ पर जितने भी लोगों को देख रहे हैं ये सभी लोग सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं नगर निगम के, और हमारे पार्षद के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं। हम लोगों को यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा, ये तो इस जैसे प्रश्न आप खोजिएगा उत्तर अपने आप मिल जाएगा। हम लोग जनता के द्वारा निर्वाचित हैं, जनता की अपेक्षाएँ हमसे हैं और जनता चाहती है कि उनके वार्ड में विकास का कार्य हो, और हम लोगों का काम है कि नगर निगम में उन बातों को रखना। हम लोग बातों को रखते हैं लेकिन हम लोग की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। तो नगर निगम में 2.5 वर्ष इस कार्यकाल के बीत गए,
नए योजनाओं पर काम नहीं हो पाया है और उपलब्धि के नाम पर मात्र एक प्याऊ है। 2.5 साल से याद नहीं है, ये कहना आपका गलत है। हम लोग जब चुनाव जीत के आए थे उसी समय अपने अपने वार्ड में अपने जनता के सामने कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके आए थे कि आप हमको अपना मत दीजिए और हम आपके वार्ड का अपने वार्ड का विकास करेंगे। जब विकास की चर्चा करने के लिए यहाँ नगर निगम आए तो यहाँ के पदाधिकारी यहाँ के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि हम लोगों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2.5 साल ऐसा नहीं कि 2.5 साल से हम लोग चुपचाप थे और इसी इंतज़ार में थे, बल्कि हम लोग एक सभ्य लोग हैं। जितने भी पार्षद हैं वो पढ़े लिखे हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं, इसलिए उसमें एक सब्र का मादा था और उसे यकीन था कि शायद ये आश्वासन कल जो है कार्य में बदलेगा। लेकिन जब 2.5 साल बीत गया और जब धरातल पर काम नहीं होने का जो है, जब हम लोगों को यकीन पैदा हो गया कि ये सिर्फ हमें आश्वासन पर रखने को तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है। परेशानी यही है, लेकिन हम लोग के बाढ़ में किसी बाढ़ में काम नहीं हो रहा है। नगर महोदय किसी चीज़ का ध्यान देती है यहाँ का भी, ये मतलब नगर महोदय अध्यक्ष की, लेकिन ये लोग काम ढंग से नहीं करता, किसी बाढ़ में ढंग से काम नहीं हो रहा। 2.5 साल हम लोग को हो गया, इसे तो पहले से भी हम चुने हुए हैं, 2.5 साल में कुछ भी काम अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो अभी काम आया है वो 2016-17 का काम अभी वो भी अभी इधर स्टार्ट हुआ है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे पार्षदों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी यह धरना जारी रहेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। तिलकामान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता रहा है। यहाँ कभी फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आता है तो कभी नई गाड़ी के नाम पर पुरानी गाड़ी खरीदने का। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने मोटी रकम हड़प करने के लिए विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में रखे लगभग 6 ट्रक कॉपियों को ही बेच डाला। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि TMBU के अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए सिल्क टीवी की खास रिपोर्ट। तिलकामान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी बिक्री का मामला तूल पकड़ने के बाद बुधवार को हुई सीनेट की बैठक में कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कॉपियां बेचने की जानकारी नहीं होने की बात कही, जिसके बाद सदन में सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से कॉपी बेचने के मामले की पोल खोल दी। इसके साथ ही सीनेट सदस्य ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। निश्चित रूप से रद्दी कॉपी बेचने की सूचना जैसे हम लोग को मिली, हम लोग काफ़ी चिंतित हुए। और सिर्फ कॉपी की बात नहीं है, अगर ध्यान नहीं दें जागरूक लोग तो विश्वविद्यालय बिक जाएगा। स्थिति यह है कि 2-3 साल पहले जो अभी TNV कॉलेज के सामने की ज़मीन है, इसमें घेराबंदी हुई है, वो पूरा ज़मीन दूसरे व्यक्ति के नाम से हो गया था नोटिस। देखिए, नियम ये कहता है आप विश्वविद्यालय का कोई भी सामान जो बेकार हो गया है उसका ऑक्शन कीजिए। अगर ये 5 लाख से ऊपर का मामला बनता है तो उसका टेंडर होगा, और इसके लिए स्टेचुटरी प्रावधान है कि एक कमेटी है, सेल एंड परचेज कमेटी, इसमें 3 मेंबर होते हैं सिंडिकेट के, FA जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर जो हैं सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं वो होते हैं, और इसके चेयरमैन खुद वाइस चांसलर होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कॉपी बेची गई, हम समझते हैं कि महामहिम का कार्यक्रम चल रहा था, एकलव्य के आयोजन था, एक तरफ एक दीवाल के तरफ एकलव्य के आयोजन हो रहा है और एक दीवाल के पीछे जो है ये ट्रक लगा हुआ है, और ट्रक पे 6-6 ट्रक जो है रद्दी कॉपी बेची गई है। इसमें हो सकता है कि और सब चीज़ों का कितना कॉपी बिका है, कौन खड़ा होकर बेच रहे थे, पैसा कहाँ गया, इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। इधर सीनेट की वार्षिक बैठक के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद से जब कॉपी बिक्री मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लें। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, जो पहले वाला रेट था ना उसमें 10% बढ़ा करके बेचे थे, खाली करवाना जरूरी था ना, तो फिर हम लोग परीक्षा लेते कहाँ रखेंगे, उसी में ऑर्डर किया गया था। ऐसा करके पहले से भी होता रहा है,
कि अगर मान लीजिए कि 10% ज्यादा हम लिख दिए थे कि 10% बढ़ा करके कीजिए, तो 13 रुपया कुछ था उसको 15 रुपया कर दिए थे, और 6.5 था उसको 7 रुपया कर दिए थे, जो एकदम भींगा हुआ है। अच्छा, इस टाइम तो भाई साहब उसको प्रूफ किए थे, तो भाई साहब उसको प्रूफ किए थे। विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम से कॉपी किसके आदेश पर बाहर निकाली गई, इसको लेकर जब ऑडिटोरियम में कार्यरत कर्मी मृत्युंजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अधिकारियों के आदेश का वह पालन करते हैं। कि जो पुरानी थी सिर्फ वही आदेश हुआ, अधिकारी का वही गया है। कौन अधिकारी का आदेश हुआ था? अधिकारी जो विश्वविद्यालय में है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर से निर्देश हुआ, बस वही कॉपी गई है। कितना कॉपी निकला होगा? यहाँ से जितनी कॉपी थी वो सारा मैनेजमेंट विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के पास में है, हम लोग से जो पुरानी कॉपी थी वो लेकर के यहाँ से गया। अपना परिचय दें। मृत्युंजय कुमार जी। कॉपी किसके आदेश पर बेची गई, किस रेट से बेची गई, यह तो आपने देख और सुन ही लिया, लेकिन सीनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने सभी सदस्यों के सामने कैसे सफेद झूठ बोल दिया यह भी देख लें। ऐसी गड़बड़ी हुई जो आपने पॉइंट रेज किया, कैसे हो गया, कॉपी गिर गई क्या नहीं, ये सारी सूचना मेरे पास नहीं है। कॉपी गिर गई क्या नहीं, ये सारी सूचना मेरे पास नहीं है। कॉपी गिर गई क्या नहीं, ये सारी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका हम लोग जांच करा लेंगे अपने स्तर से, उसमें सत्य क्या है और कैसे हुआ, पैसा कहाँ गया, अगर कोई दोषी व्यक्ति होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय के अनुसार, स्टेट्यूट और एक्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कॉपी बिक्री मामले की जांच विश्वविद्यालय प्रशासन कराती है या फिर इस मामले की लीपापोती कर दी जाती है। हमेशा अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। यह सुर्खियां कॉपी बेचने से जुड़ी है। जब सीनेट की बैठक हुई, वार्षिक बैठक हुई, तो कॉपी बेचने का मामला उजागर हुआ। सीनेट सदस्यों ने इस मामले को उजागर किया और यह कॉपियां विश्वविद्यालय के द्वारा ट्रक पर लाद कर तब बेची गई जब विश्वविद्यालय में एकलव्य प्रतियोगिता हो रही थी। सारे अधिकारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी एकलव्य प्रतियोगिता में मौजूद थे। एकलव्य प्रतियोगिता की कुछ निशानी आज भी इंडोर स्टेडियम में आप देख सकते हैं मौजूद है। महामहिम फागु चौहान ने एकलव्य प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था और एकलव्य प्रतियोगिता के उद्घाटन, एक तरफ एकलव्य प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ ट्रक पर लाद करके इसी इंडोर स्टेडियम से, इंडोर स्टेडियम आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह आपको इंडोर स्टेडियम दिखाए, इसी इंडोर स्टेडियम से ट्रक पर लाद करके लाखों रुपये की कॉपी बेची जा रही थी। कई शोधार्थियों के इसमें कॉपी थी और यह मामला जो वार्षिक बजट पेश हुआ उसी दौरान सीनेट सदस्य ने उठाया और जब यह मामला उठा तो विश्वविद्यालय के अधिकारी, जो बड़े अधिकारी थे, जो कुलपति थे, उन्होंने यह कहा कि उनके पास कॉपी बेचने की सूचना नहीं है। अब बिना परचेज कमेटी की कॉपियां बेच दी गई, बिना टेंडर की कॉपियां बेच दी गई, तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है तो यहां घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। अब देखना यह होगा, दिलचस्प होगा कि जो कॉपी बेची गई है उसमें जो बिना परचेज कमेटी की कॉपी बेची गई उस पर विश्वविद्यालय के अधिकारी कुलपति क्या कार्रवाई करते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। इन दिनों तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की सुबह यात्रियों से भरी ऑटो को अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में ऑटो चालक की मौत मौके पर ही हो गई जबकि ऑटो पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतक ऑटो ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया। मृतक ऑटो चालक की पहचान शाहजंगी निवासी मोहम्मद हलीम के पुत्र मोहम्मद चांद के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान रजौन निवासी पवन कुमार सिंह, पत्नी सुप्रिया रानी एवं 14 वर्षीय पुत्र सागर कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पवन कुमार सिंह उड़ीसा के शैल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी से छुट्टी लेकर वह अपने पैतृक गांव रजौन स्थित गोराडी ऑटो रिजर्व कर परिवार के साथ जा रहे थे। इसी दौरान बेलगाम ट्रक ने सरोजनी पेट्रोल पंप के समीप ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया।
घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, लेकिन बाईपास थाना पुलिस ने हाईवे पर भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया। इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार शुक्रवार को मनाया जाएगा। शिवरात्रि को लेकर भागलपुर के मंदिरों में तैयारियां जोरों पर है। मंदिर समितियां शिवालय को सजाने में लगी हुई हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शहर के विभिन्न शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। भोलानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामनानाथ मंदिर, गोनूधाम समेत शहर के सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि को विधि विधान एवं धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी हो रही है। शिवरात्रि के मौके पर जगह जगह पर भगवान शिव और देवी पार्वती की बारात यात्रा भी निकाली जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व का अलग ही महत्व है। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर महिलाएं एवं युवतियां व्रत रखती है एवं सुख समृद्धि की कामना करती है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर विद्यालय बंद रहेगा, इसलिए बच्चों के बीच मातृभाषा के महत्व की जानकारी देने के लिए प्रतियोगिता आयोजित किया गया। बच्चों ने चेतना सत्र में अपनी मातृभाषा अंगिका की शब्द आकृति बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्रा ने बच्चों को बापू की पंक्ति एवं मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर होने की बात कहते हुए मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अंगिका के बारे में विस्तार से चर्चा किया। बच्चों ने अंगिका में कविता, कहानी तथा लोकगीत के साथ मातृभाषा दिवस मनाया। इस अवसर पर शिक्षक कौशल्या कुमारी सहित छात्र सृष्टि, खुशी, सुजाता, रानी, अमन, सुप्रिया, सत्यम ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा निवासी देवपूजन भारती उर्फ छोटे सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्तों के नाम का कोर्ट ने इश्तिहार जारी कर दिया है। गुरुवार को नवगछिया पुलिस ने हत्याकांड में नामजद मंटू प्रमुख समेत पांचों आरोपियों के घर में इश्तिहार चिपका दिया। पुलिस द्वारा बालकिशोर सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, कैलाश सिंह एवं तीरो सिंह के घर में इश्तिहार चिपकाया गया। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि फरार चल रहे सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। हम आपको बता दें कि आपसी रंजिश एवं जमीन विवाद को लेकर पकरा निवासी छोटे सिंह की हत्या आरोपियों ने सरेआम कर दी थी। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के आह्वान पर शिक्षकों ने हड़ताल के चौथे दिन सनौला प्रखंड के बीआरसी प्रांगण में धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना में मुख्य वक्ता के तौर पर ताड़र महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की दोहरी नीति के कारण शिक्षक परेशान हो रहे हैं। यदि सरकार शिक्षकों के समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगी तो प्रखंड के विद्यालयों में ताले लटके रहेंगे। वहीं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने शिक्षकों से एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील की। हड़ताल के चौथे दिन धरना का संचालन पवन कुमार ने किया। मौके पर अनिल पासवान, ओम प्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, अजीत कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद थे। नवगछिया रंगराज चौक के समीप शराब के नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद दो युवक भागने में सफल रहा, लेकिन तीसरे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुकुटिया बाजार से तीन युवक शराब का सेवन कर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाते हुए रंगरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बुधवार की देर शाम मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहे मजदूर शंकर मंडल को सामने से टक्कर मार दिया। घटना में मजदूर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक सवार भी हादसे में घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवक का नाम कुंदन कुमार बताया जा रहा है।
कुंदन ने बताया कि शराब पीने के बाद उसका सहयोगी गाड़ी चला रहा था, नशे में होने के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश में छापेमारी कर रही है। भागलपुर वार्ड नंबर 10 के साहेबगंज में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की। डॉक्टर संतोष ने मधुमेह, यूरिक एसिड, बीपी, हीमोग्लोबिन समेत कई प्रकार की जाँच की और लोगों को उचित परामर्श दिया। इसके बाद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने लोगों को स्वच्छ रहने और बीमारी से बचने के उपाय बताए। वहीं मेगा हेल्थ कैंप में निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। स्वास्थ्य जांच सह परामर्श शिविर में 100 से अधिक लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पाई गई। वहीं शिविर का आयोजन गोल्डन मेडिकल और वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल के सहयोग से किया गया। मौके पर रवीश कुमार, बहाव खान, मोहम्मद गोल्डन समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अनहार में शुक्रवार से होने वाले श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीराम कथा की तैयारी पूरी कर ली गई है। बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीराम कथा में कथावाचक के रूप में वृंदावन से पंडित श्री शत्रुघ्न जी बालेठिया और राम कथावाचक के रूप में चंडीगढ़ से श्री कुंदन जी महाराज सुल्तानगंज पहुँच चुके हैं। समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि कथा से जुड़ी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ स्प्रिट बरामद, दो गिरफ्तार। विकास कार्यों को तेजी देने के लिए पार्षदों ने खोला मोर्चा, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बिना टेंडर टीएमबीयू के अधिकारियों ने बेची लाखों रुपए की कॉपी, कुलपति ने कहा मामले की नहीं है जानकारी, सीनेट सदस्य ने विजिलेंस जांच की मांग। जिले में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन की हालत गंभीर। और महाशिवरात्रि को लेकर सजा भोले का दरबार, शुक्रवार को मंदिरों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।